नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक वशीकरण का टोटका बताने जा रहा हूँ। और ये वशीकरण का टोटका कोई भी कहीं से आराम से कर सकता है। इस टोटके को करेंगे तो आप एक ही बार में रिजल्ट देखेंगे। ये टोटका उन लोगों के ऊपर किया जा सकता है जो लोग एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। अगर कोई स्त्री किसी को पाना चाहे तो भी कर सकती है, और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पाना चाहे तो भी कर सकता है, और अगर स्त्री पुरुष दोनों बहुत प्यार करते हैं और उनके माता पिता उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं, और उनकी शादी में रोड़े लग रहे हैं, अड़ंगे लग रहे हैं, रुकावट आ रही है, तो वो ये वशीकरण का टोटका करें। और जिन्हें वो अपने वश में करना चाहते हैं, जैसे कि उनके घर के परिवार के लोग आपकी शादी से सहमत नहीं हैं, तो उन्हें सहमत करने के लिए तो भी यही टोटका आप कर सकते हैं। और अगर आपस में आप पति पत्नी हैं, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या कोई भी किसी को अगर वश में करना चाहे तो वो इस वशीकरण के टोटके को कर सकता है। दोस्तों, इसमें कोई मंत्र नहीं करना है आपको, ना ही कोई आपको वशीकरण की पूजा करनी है, ना ही कोई सामग्री लानी है, आपको कुछ नहीं लाना है, आपको चुपचाप इस वशीकरण के टोटके को करना है। तो ये टोटका कैसे करेंगे आपको मैं यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ना आपके पैसे लगेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक और दूसरों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मैं उन माताओं बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो प्रेमी है, यानी पति पति जो होता है वो परमेश्वर होता है, और वही पति आपका प्रेमी भी होता है, वही से आप प्यार करते हैं, और वही पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लगाव रखता है, लेकिन वो उनसे जुदा हो गया है, दूर हो गया है, तो ये दूरी कैसे बनी है हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें अगर आप करीब लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। और यही चीज़ कोई अगर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करना चाहे तो भी कर सकती है, और अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर करना चाहे तो भी कर सकता है। अगर शादी करने की नियत है, इच्छा है, तो ही है वशीकरण का टोटका करिएगा, तो आपको सक्सेस उसी दिन मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हमें ये वशीकरण का टोटका कैसे करना है। स्क्रीन के ऊपर भी देखते हुए रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। आपको एक लेना है आम का पत्ता। आम का पत्ता जो पेड़ में लगा हुआ हो, टूटा हुआ ना हो। उस आम के पत्ते के ऊपर आपको सिर्फ ओम, और आपको 9 बार अपने पार्टनर, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लिख दीजिएगा। सिर्फ आपको इतना करना है, ओम और नाम। आपका प्यार आपके वश में होगा, और ये जो लिखा हुआ है मिट नहीं पाएगा, वो प्यार, वो पति, वो पत्नी, वो पार्टनर, वो जिसे आप चाहोगे उसे आप अपने वश में आसानी से कर लोगे। लेकिन गलत भावना ना रखें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपनी तरफ से शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपको पसंद आएगा तो धीरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।